राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। बता दें कि गृह मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लाल डायरी को लेकर निशाना साधा था। कपिल सिब्बल ने शाह से कहा था कि यदि उन्हें पता है कि डायरी कहाँ है तो वह उसे पेश करे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि सीएम अशोक गहलोत को कथित लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि डायरी में करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डरे रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी के आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उस लाल डायरी के अंदर है। राज्यसभा सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार किया। बता दें कि गृह मंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लाल डायरी को लेकर निशाना साधा था। कपिल सिब्बल ने शाह से कहा था कि यदि उन्हें पता है कि डायरी कहाँ है तो वह उसे पेश करे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा था कि सीएम अशोक गहलोत को कथित लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देने के बाद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि डायरी में करोड़ों अरबों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा है। अमित शाह ने राजस्थान के गंगापुर शहर में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था, आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डरे रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी के आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छुपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा उस लाल डायरी के अंदर है।